नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत और ईरान के रिश्ते इस वक्त पे किस तरह से समृद्ध होते चले जा रहे हैं, ये हम लगातार देख रहे हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात ईरान के रक्षा मंत्री से होती है, और अब खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री भी मॉस्को जाने से पहले ईरान के विदेश मंत्री से यानी अपने ही समकक्ष के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। अब इस पूरी की पूरी खबर को आप चीन के लिए एक बड़ा खतरे के तौर पर भी समझ सकते हैं, क्योंकि चीन के लिए यहां से बड़ा खतरा शुरू होता है। दूसरी तरफ भारत किस तरह से पाकिस्तान को भी घेर रहा है उसे भी देखिए, क्योंकि जब आप निश्चित तौर पर ईरान से बात करते हैं तो आप अफगानिस्तान को लेकर बात करते हैं, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में जिस बात का जिक्र किया था कि अफगानिस्तान और उस तरफ सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा बातें हुई हैं। इसके अलावा पर्शियन गल्फ में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भी बातचीत करते हैं कि पर्शियन गल्फ में इस वक्त पे किस तरह के हालात बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टसल चल रहा है, सऊदी अरबिया वहां पर बीच में है, यानी गल्फ कंट्रीज के बीच में भी जिस तरह से एक बहुत सारी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, उन सारी चीजों को लेकर भी पूरी की पूरी बातचीत भारत के रक्षा मंत्री ने की, जिसका एक ग्लोबली एक मैसेज गया और चीन को भी इससे झटका तो जरूर लगा होगा, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग अपने दोस्तों को अलाइज को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अब विदेश मंत्री भी वहां जाने की बात कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर वो मॉस्को से पहले वहां जाते हैं, अपने समकक्ष से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक बार फिर वहां से चीन के लिए संदेश जाएगा। और न सिर्फ चीन बल्कि जब आप ईरान से बैठकर बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को भी एक संदेश दे रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अब सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बनती जा रही है। खासतौर पर चाइना जिस तरह से मानने का नाम नहीं ले रहा है, एक तरफ बात करता है दूसरी तरफ गोली चलाने की बात कहता है, जबकि खबर ये निकल कर आती है कि गोली तो चीन ने ही चलाई थी। और भारत की आर्मी ने, भारत के रक्षा मंत्रालय ने बार बार इस बात को कहा है कि बातचीत से अगर हल निकलता है तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर कहीं चीन हमेशा बातचीत करने के बाद एक तरफ बातचीत करेगा और दूसरी तरफ गोली की बोली बोलेगा तो फिर ये कोई बात नहीं होती। ये साफ तौर पर आपके सीडीएस ने भी कहा है, जनरल बिपिन रावत ने भी कहा है, आपके जनरल ने भी कहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरावणे, और इसके अलावा रक्षा मंत्री ने भी यही बात कही है। खुद प्रधानमंत्री जब 3 जुलाई को निम्मू गए थे, निम्मू पोस्ट पे फॉरवर्ड पोस्ट है, तो वहां पर भी जाकर उन्होंने यही बात कही थी कि अगर हम बांसुरी वाले कृष्ण को पूछते हैं तो हम उस कृष्ण को भी जानते हैं जो चक्र चलाया करते थे, चक्रधारी कृष्ण को भी हम जानते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत सारे संदेश दे रही हैं एक साथ। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का ईरान पहुंचना अपने आप में चीन को सामरिक तौर पर अलग थलग करने का एक और प्रयास है भारत की तरफ से, और भारत इसमें लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, अग्रसर है। इसके बाद 10 तारीख को चीन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि इन सारी की सारी बातों पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।